आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत के बारे में बताया था। आइए कब्जियत से बचने के कुछ उपाय जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, ये जानने से पहले हम थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, हमारा लीवर। आइए सिस्टमेटिक जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मुख गुहा जो भोजन को चबाने का, लार के साथ मिक्स करने का कार्य करती है। इसके पश्चात ईसोफेगस, आहार नाल, जो भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। अमाशय में भोजन स्टोर होता है, वहां छोटे छोटे टुकड़ों में मथता है। इसके पश्चात भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत तीन भागों में डिवाइड होती है, डियोडेनम, जियोजेनम, इलियम, और बड़ी आंत सात भागों में डिवाइड होती है। भोजन बड़ी आंत से गुजरकर बाहर निष्कासित हो जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त पैंक्रियास, अग्नाशय, हमारे शरीर में पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है, जो छोटी आंत में आकर मिलता है। और लीवर शरीर में एनर्जी को स्टोर करता है, साथ ही बाइल को बनाकर सिक्रीट करने का कार्य करता है। दोस्तों, अगर ये ऑर्गन ठीक तरह से हमारे शरीर में कार्य नहीं करेंगे तो जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या पैदा हो सकती है। आइए दोस्तों, आगे वीडियो में और भी जानकारी जानते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन एक आम समस्या है और इससे बचने के लिए बहुत से उपाय हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये आजमाए भी होंगे। जैसे अपनी दिनचर्या को नियमित करना, संयमित खान पान, तेल मसाले संबंधित चीजों को कम खाना, खाने में फाइबर युक्त चीजों को शामिल करना, हरी सब्जी भाजी अनाज, और दैनिक दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करना, सुबह गर्म पानी का सेवन करना या नींबू पानी का सुबह सेवन करना, किसी भी तरह के नशे की आदत या नशे का सेवन, तम्बाकू, शराब, सिगरेट, इनको छोड़ना चाहिए, और चिंता और तनाव से दूर रहना चाहिए। भोजन को ठीक तरह से चबाकर खाना चाहिए और भोजन के लगभग आधे घंटे बाद ही पानी को पीना चाहिए। सभी तरह के मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे पपीता, अमरूद। और दोस्तों, ध्यान रहे, कभी भी फ्रिज से निकले हुए ठंडा भोजन या ठंडे जल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायी होते हैं। सुबह मठे का सेवन करना चाहिए और ईसबगोल और त्रिफला, इनको खाने से भी पेट में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। ये तो कुछ साधारण से उपाय थे। अगर आपको इनके बाद भी यदि कोई लाभ नहीं हो रहा हो तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, उनसे इलाज कराएं और उनकी सलाह के अनुसार ही कार्य कीजिए। क्योंकि दोस्तों, सबके शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है और सबके लिए परहेज भी अलग अलग होते हैं। दोस्तों, अब मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, यूं तो हमारे होम्योपैथिक में बहुत सी दवाइयाँ आती हैं, पर कुछ खास दवाइयाँ जिनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उनके मैं नाम बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इनमें पहली मेडिसिन है हाइड्रिस्टिस कैनाडेंसिस मदर टिंचर, चेलिडोनियम मदर टिंचर, चाइना मदर टिंचर। इसके अलावा कुछ डायल्यूशन फॉर्म में उपयोग करने वाली दवाइयाँ जैसे ब्राइनिया, नेट्राम्यूर, एल्यूमिना और नक्स वोमिका। दोस्तों, ये कुछ ही दवाइयों के नाम है, अन्य दवाई भी आती, इसलिए कोई भी दवा सेवन करने से पहले किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक का परामर्श लेना जरूरी है। क्योंकि होम्योपैथी में लक्षणों के आधार पर ही दवाई दी जाती है और लक्षणों के आधार पर सबके लिए दवा भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों, अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।